गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट ईबीएस। टॉपिक इज आवर चैप्टर नंबर थर्ड, आवर नेवरहुड। ओके, इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक। एक्सरसाइज नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के टू क्वेश्चन राइट करवा दिए थे, नंबर वन और नंबर टू वाला। तो आज मैंने उनको वापस रिपीट किया है बोर्ड पे, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक। क्या अपने नोटबुक में राइट करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और उसमें से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आपने कोई मिस्टेक की हो तो उसको भी करेक्ट कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है, नेम एनी टू शॉप्स, नेम एनी टू शॉप्स दैट वी फाइंड इन द नेबरहुड मार्केट। Name any two shops that we find in the neighborhood market. It means आपके पास के मार्केट में पाई जाने वाली कोई भी दो दुकान शॉप्स के नाम आपको राइट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, फर्स्ट है केमिस्ट शॉप। कौन सी शॉप है? केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप की स्पेलिंग बोलोगे आप? CHEMIST केमिस्ट, CHEMIST केमिस्ट। आपको इस तरीके से फील करना है कि आप क्लास में बोल रहे हो और मैम ऑरल करवा रही हैं। ओके, तो फर्स्ट वाली स्पेलिंग बोलो आप, CHEMIST केमिस्ट, SHOP शॉप, केमिस्ट शॉप। सेकंड है GROCERY ग्रोसरी, GROCERY ग्रोसरी, SHOP शॉप, ग्रोसरी शॉप। हम वापस से रिपीट कर लेते हैं, CHEMIST केमिस्ट, SHOP शॉप, केमिस्ट शॉप। सेकंड है GROCERY ग्रोसरी, SHOP शॉप, ग्रोसरी शॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज द फायर स्टेशन हेल्प अस, हाउ डज द फायर स्टेशन हेल्प अस। फायर स्टेशन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है फायर स्टेशन हमारी? तो जब कहीं आग लग जाती है तो हम किसको कॉल करते हैं? फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं और वो वहां से फायर ब्रिगेड को भेजते हैं, जिससे हम जिसमें जो फायर फाइटर होते हैं वो आपको बुझाने का काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं जो कि आग के अंदर फंसे होते हैं, उनको बचाते हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर राइट किया है, व्हेन देयर इज ए फायर, व्हेन देयर इज ए फायर। आई होप आप भी रिपीट कर रहे होंगे मेरे साथ में, व्हेन देयर इज ए फायर वी कॉल द फायर ब्रिगेड, व्हेन देयर इज ए फायर वी कॉल द फायर ब्रिगेड एंड द फायर फाइटर्स, एंड द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, एंड द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर एंड हेल्प पीपल। व्हेन देयर इज ए फायर वी कॉल द फायर ब्रिगेड एंड द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर एंड हेल्प पीपल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब ये आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर वन और टू हम राइट कर चुके थे, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो इसको हम नोटबुक में राइट करेंगे। तो पहले आपको इसको सुनना है केयरफुली, फिर मैं आपको वापस से जब रिपीट करूंगी तब आपको इसको राइट करना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, वॉट आइटम्स, WHAT वॉट ITEM एस आइटम्स आर SOLD sold at, what items are sold at, क्या आइटम्स यहाँ पे बेचे जाते हैं? आपको कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ठीक है, तो उन
कुछ शॉप के नेम दिए गए हैं, तो उन शॉप पे क्या क्या आइटम बेचे जाते हैं उनको आपको बताना है। ओके, तो आंसर में हम राइट करेंगे ए है हमारा डेयरी शॉप। हमसे पूछा गया है कि डेयरी शॉप पे कौन कौन से आइटम बेचे जाते हैं। DAIRY डेयरी, SHOP शॉप, डेयरी शॉप। डेयरी शॉप पे क्या बेचते हैं? मिल्क, पनीर, कर्ड, ये सारी चीजें हमको कहाँ मिलती हैं? डेयरी शॉप पे या मिल्क बूथ पे मिलती है ना। तो हमने यहाँ पे राइट किया है मिल्क, MILK, मिल्क, कॉमा है, फिर है PANER, पनीर, PANER, पनीर, कॉमा है, उसके बाद में फिर है CURD, कर्ड, मिल्क पनीर कर्ड। सेकंड है GROCERY, ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी, STORE, स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। सेकंड है बी वाला GROCERY, ग्रोसरी, STORE, स्टोर। ग्रोसरी स्टोर पे क्या क्या बेचते हैं? तो आएगा RICE, राइस, WHEAT, वीट। नेक्स्ट है BREAD, ब्रेड, TEAT, और नीचे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है ETC, मतलब एक्सेट्रा, और भी चीज मिलती है। ओके, राइस, व्हीट, ब्रेड, टी, एक्सेट्रा, ये हमको कौन सी शॉप पे मिलती है? ग्रोसरी स्टोर पे हमको मिलती है। ओके, नेक्स्ट है सी, स्टेशनरी शॉप। स्पेलिंग बोल देती हूँ मैं आपको अच्छे से, प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा हो तो एक बार। STATIONERY, STATIONERY, स्टेशनरी शॉप। STATIONERY, स्टेशनरी, SHOP शॉप, स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप पे क्या क्या बेचा जाता है? PENS, पेंस, PENCILS, पेंसिल्स, NOTE, BOOKS, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स, एक्सेट्रा। स्टेशनरी शॉप पे हमको क्या क्या चीज मिलती है? पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स, जो हमारे पढ़ने से रिलेटेड जो भी थिंग्स होती है वो हमको कहाँ से मिलती है? स्टेशनरी शॉप से हमको मिलती है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को वापस रिपीट कर रही हूँ एक बार। व्हाट आइटम्स आर सोल्ड एट राइट नाउ? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आइटम्स आर सोल्ड एट। आंसर में है फर्स्ट नंबर पे ए, डेयरी शॉप। डेयरी शॉप में हमने लिखा है मिल्क, पनीर, कर्ड। डेयरी शॉप पे हमको क्या क्या मिलता है? मिल्क, पनीर, कर्ड। सेकंड है GROCERY, ग्रोसरी, STORE, स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर पे आएगा राइस, व्हीट, ब्रेड, टी, एक्सेट्रा। सी है स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप पे है पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड सॉरी ETC, एक्सेट्रा। ओके, सो टुडे होमवर्क इज योर, राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट ऑल्सो। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग इन प्रॉपर लाइन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।